नाउ टूरिज्म इंडस्ट्री, हम स्टार्ट करेंगे किसी कोट के साथ. मैंने लिखा है द वर्ल्ड इज़ अ बुक एंड दोज हु डू नॉट ट्रैवल रीड ओनली वन पेज. इसके अलावा आप अपने कोट्स लिख सकते हो, जैसे कि जर्नी इज़ द डेस्टिनेशन, या फिर अ जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिन्स विद अ सिंगल स्टेप, और एनी अदर कोट ऑफ योर चॉइस. उसके बाद आप थोड़ा सा स्टैट्स दे दो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कि इसकी वर्थ कितनी है. मैंने जब पढ़ा था तो इट वॉज़ $1.4 trillion द इंटरनेशनल टूरिज्म इंडस्ट्री, एंड जितना भी रेवेन्यू ये इंडस्ट्री जनरेट कर रही है वो साल दर साल बढ़ रहा है. फिलहाल 2000 से अगर कंपेयर करें अभी के रेवेन्यू को तो वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है. एंड रियली बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो कि आप GDP में कह लो या फिर ओवरऑल इंटरनेशनल टूरिज्म में कह दो तो अराउंड $8.8 trillion का ट्रेड है जो होता है, मतलब ट्रेड कह सकते हैं या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री का जो नेटवर्थ है जो चल रहा है वो इतना है. वाई डू वी ट्रैवल, उसके बाद आप पर्पस लिखो. डोंट मेंशन द क्वेश्चन बट वी ऑल ट्रैवल विद अ पर्पस. यू कैन राइट इट लाइक दिस एंड वील सी द ब्रॉडर पिक्चर, जिसमें मैंने एक पाई चार्ट के थ्रू डिस्क्राइब किया है. मोर देन 50% हमारा ट्रैवल जो है वो लेजर के लिए होता है, लेजर या फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए, विच इज़ अराउंड 53%. उसके बाद एक बहुत बड़ा पोर्शन जो ट्रैवलिंग का होता है दैट इज़ टू मीट योर किथ एंड किन्स, योर फ्रेंड्स फैमिलीज, या फिर किसी रिलीजियस प्लेस या फिर होली प्लेस को विजिट करने के लिए. उसके बाद 13% जो ट्रैवल होता है अराउंड आप कह सकते हो बिजनेस ट्रिप्स, टूर्स, प्रोफेशनल मीटिंग्स वगैरह के लिए होता है. और 1% जो 7% बच गया है वो है हमारा नॉट स्पेसिफाइड, जो कि रैंडम किसी भी पर्पस, किसी भी रैंडम रीज़न से आप ट्रैवल करते हो. अब मैंने टाइप्स ऑफ टूरिज्म में एक्सप्लेन किया है द वेरियस टाइप्स ऑफ टूरिज्म. 11 टाइप्स के होते हैं. अब आप देखो, पहला हम स्टार्ट करेंगे रिक्रिएशनल से. रिक्रिएशनल आप सब जानते हो लेजर के लिए, रेस्ट, फन के लिए जो होता है. उसके बाद हिस्टोरिकल ट्रैवल, जो कि हेरिटेज साइट्स विजिट करने के लिए, आपके फोर फादर्स कहाँ रहते थे, सपोज आप गांधीनगर जा रहे हो या फिर आप किसी भी ऐसी इमाम बाड़ा जा रहे हो लखनऊ में. उसके बाद एथनिक ट्रैवल, एथनिक ट्रैवल होता है जो आप किसी फैमिली ऑब्लिगेशंस में आके करते हो, जैसे कि किसी का बर्थ हुआ, किसी की डेथ हो गई, या फिर किसी की शादी है, किसी का मुंडन है, किसी की बर्थडे है, इस वजह से आप जो ट्रैवल करते हो. उसके बाद इन्वायरमेंटल ट्रैवल होता है विच इज़ नॉर्मली डन बाय एलीट क्लास पीपल, जैसे कि फ्रेश एयर ब्रीथ करने के लिए किसी बहुत अच्छे आइसोलेटेड आइलैंड पे चले गए या फिर किसी हिली रीजन में चले गए टू एन्जॉय द सीनिक एंड द माउंटेनियस ब्यूटी वगैरह वगैरह. उसके बाद एक ट्रैवल होता है कल्चरल ट्रैवल, जब आप दूसरों की कम्युनिटी में जाना चाहते हो, उनके कस्टम्स, ट्रेडिशंस, हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट वर्क्स, फूड सब जानना चाहते हो, एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. इनक्विजिटिव लोग ज़्यादातर ये ट्रैवल करते हैं. उसके बाद एक होता है ट्रैवल एडवेंचर ट्रैवल, एडवेंचर टूरिज्म. वो किस लिए? इट इज़ फॉर दोज पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग नर्व्स एंड अ स्ट्रॉन्ग हार्ट. उसमें क्या होता है, आप ट्रैकिंग कर रहे हो, राफ्टिंग कर रहे हो, स्काई डाइविंग कर रहे हो, ठीक है. उसके बाद हेल्थ रिलेटेड ट्रैवल, जो कि आप कभी स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट लेने के लिए किसी सिटी में जा रहे हो, किसी कंट्री में जा रहे हो, किसी गाँव में रहते हो तो कहीं और जा रहे हो, इस तरीके से. रिलीजियस ट्रैवल होता है, आप चार धाम की यात्रा कर रहे हो या फिर आप वेरियस सर्किट्स ट्रैवल कर रहे हो, जो कि एक प्रो पुअर स्कीम है गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, स्वदेश दर्शन स्कीम काइंड ऑफ. आप वैष्णो देवी जा रहे हो या फिर आप हज पे जा रहे हो तो वो रिलीजियस ट्रैवल होते हैं. उसके बाद एक होता है म्यूज़िक ट्रैवल, वो किस लिए? आप जो एंटरटेनमेंट के लिए करते हो, कई बार मूवीज़ के लिए, ड्रामास के लिए, कॉन्सर्ट्स के लिए. विलेज ट्रैवल लोगों को इसलिए कराया जाता है ताकि वो देखें कि फार्मर्स कैसे वर्क करते हैं विलेजेस में, कैसे सब्जियां होती हैं, कैसे गेहूं होता है, कैसे राइस होती है, तो और नेचर के साथ कनेक्ट करने के लिए एक तरीके से. उसके बाद एक वाइल्ड लाइफ ट्रैवल, टू वॉच द वाइल्ड लाइफ इन द नेचुरल हैबिटेट, विजिटिंग वेरियस बायोस्फीयर रिजर्व्स एट्सेट्रा. उसके बाद अगर हम देखें कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है टूरिज़्म का, तो हम देखेंगे उसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं. तो पॉजिटिव पॉइंट्स में क्या है, आपको बहुत ईजिली पता है कि आपको फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने को मिलेगा आपकी कंट्री को, इनफैक्ट आपको भी पैसा मिलेगा, आपको जॉब मिलेगी, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आपके हाथ में पैसा आएगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, गवर्नमेंट भी रेवेन्यू जनरेट करेगी आपके हेल्प से. उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट आपकी कंट्री का इम्प्रूव होगा, डेफिसिट घटेगी हमारी क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा. उसके बाद लोकल इकोनॉमीज बूम करेंगी, प्रॉस्पर करेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वहाँ पे एमिनिटीज़ इम्प्रूव होंगी, वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी बढ़ेगी. ओके, अब हम नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे. इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स में नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं? आपने हमेशा देखा होगा जहाँ पे भी टूरिज़्म प्रमोट ज़्यादा होता है तो वहाँ पे भीड़ बढ़ती है. भीड़ बढ़ती है तो क्या होता है, कॉम्पिटिशन बढ़ता है. कॉम्पिटिशन बढ़ेगा लोगों में आपको तो क्या होगा, आप देखोगे कि हर चीज़ के रेट्स बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन
आ जाती है वहाँ पर। उसके बाद ये जो एम्प्लॉय टूरिज्म इंडस्ट्री है, कई बार बहुत ही सीजनल काइंड ऑफ जॉब देती है, सीजनल डिस्गाइज काइंड ऑफ जॉब। उसमें मतलब क्या होता है, आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक टर्म है, आप याद करो, इसका ये मतलब होता है कि आपने एक ऑल्टरनेटिव चूज़ किया बाकी ऑल्टरनेटिव्स को छोड़ के, आप एक सीजनल जॉब में लगे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड जो कि साल का, उसमें आप अनएम्प्लॉयड हो, आपको जॉब मिली हुई है लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे नहीं है। तो एक तरीके से क्या हुआ, आप कहीं ना कहीं आपकी अपॉर्चुनिटी जो अर्न करने की और ज़्यादा है, कई कई बार आप मिस कर देते हो। हालांकि दिस इज़ नॉट द केस ऑलवेज, कुछ जैसे कि मान लो आप अमरनाथ ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पे आप स्पेसिफिक एरिया टाइम पीरियड में ही जाते हो, तो बाकी टाइम पीरियड पे लोगों के पास उतना कोई श्योर शॉट काम नहीं रहता है। एक पॉइंट है अंडरग्राउंड इकॉनमी। अंडरग्राउंड इकॉनमी का मतलब होता है ट्रैवल वगैरह के साथ साथ कुछ ऐसे बिजनेसेस भी होते हैं जो कि अनवांटेड है, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ है, या फिर आप ब्लैक मनी का मार्केट कर लो, लोगों के पास टैक्सेस देने का सिस्टम नहीं है, जो कि साइड पैरेलल इकॉनमी काइंड ऑफ क्रिएट हो जाती है उसकी वजह से। एक होस्ट कंट्री होती है और एक होम कंट्री होती है। इस टर्म को ज़रूर मेंशन करो, उसमें लिखो कि जब भी लोग ट्रैवल करते हैं तो होम कंट्री होस्ट कंट्री दोनों को ही बेनिफिट होता है। होम कंट्री को कैसे बेनिफिट होता है, आप फ्लाइट्स लोगे, घर से निकलोगे तो पैसा खर्च करोगे, तो अल्टीमेटली योर कंट्री इज़ गेटिंग बेनिफिटेड। उसके अलावा होस्ट कंट्री को तो बेनिफिट हो ही रहा है, वहाँ आ रहे हो, होटल्स में रह रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, खाना खा रहे हो, घूम रहे हो, तो अल्टीमेटली यू आर बेनिफिटिंग दी होम होस्ट कंट्री ऑल्सो। अब हम देखेंगे डायमेंशंस ऑफ टूरिज्म। डायमेंशंस जो टूरिज्म के हैं वो बेसिकली चार हैं, हिस्टोरिकल डायमेंशन, सोशल कल्चरल डायमेंशन, इंटरनेशनल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशन। हिस्टोरिकल डायमेंशन को आप इस तरीके से समझो कि पहले क्या होता था हिस्ट्री में, बहुत ही इलीट क्लास के जो लोग होते थे वही ट्रैवल करते थे। किस लिए ट्रैवल करते थे, किसी रिलीजियस पर्पज से ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेड पर्पज से ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, लोगों के पास पैसा आने लगा, इकॉनमीज इंप्रूव होने लगी, तो सबके पास पैसा आया तो सब ने सोचा कि हम ट्रैवल करेंगे। अब ट्रैवल करने लगे तो क्या हुआ, कनेक्टिविटी बढ़ने लगी। कनेक्टिविटी बढ़ी कैसे, रोड्स डेवलप हुई, रेलवेज डेवलप हुई, फ्लाइट सर्विसेज जब से डेवलप हुई तब से टूरिज्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा बूस्ट पा चुकी है। उसके बाद आया इंटरनेट। इंटरनेट ने जैसे ही एंट्री मारी तब से फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट, हर तरह का टिकट करना बहुत ईजी हो गया। उसके अलावा होटल बुकिंग्स, खाने की बुकिंग, सब कुछ इतनी एट द क्लिक ऑफ अ माउस। तो चीज़ें जितनी जितनी ईज होती गई चीज़ों में, उतना ही ज़्यादा इंडस्ट्री को और इम्पल्स मिलता गया। उसके बाद कल्चरल और सोशल डायमेंशन देखो अगर, तो उसमें कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। पॉजिटिव्स में क्या होता है, एक कल्चर का कह सकते हो एक्सपेंशन होता है, लोगों की ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को रिकग्निशन मिलता है, कनेक्टिविटी बढ़ती है, लोगों में आपकी आर्ट, आपका खाना सब पॉपुलराइज हो जाता है, कई बार इंटरनेशनल क्विजींस बन जाती हैं, लोगों में हैंडीक्राफ्ट्स का एक बहुत बड़ा चस्का लग जाता है कि वहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आई ऑल्सो वॉन्ट इट। उसके अलावा आप देखो नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। नेगेटिव में क्या होता है, डायल्यूशन ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर्स हो जाता है, लोगों को लगता है कि हमारा कल्चर किसी और के कल्चर से डिफरेंट, एंड आई वॉन्ट टू अडॉप्ट द डिफरेंट कल्चर। फॉर एग्जाम्पल, इंडियंस लव वेस्टर्न थिंग्स एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड समटाइम्स ऑल्सो लव्स इंडियन थिंग्स। तो एक तरीके से डायल्यूशन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स कल्चर्स हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सोसाइटी हो रहा है, ट्रेडिशनल कल्चर्स जो होते हैं वो चेंज हो रहे हैं, उन्हें मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, ऑल्टरेशन हो रहे हैं उसमें। और होता क्या है, बेसिकली लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी जनरेट होती है कि उन्हें चेंज अडॉप्ट करना है, लोगों को कहीं ना कहीं कुछ नया करने का हमेशा आदत होती है, और इसी वजह से एक डाइल्यूशन हो जाता है सोशल कल्चर एरियाज़ में, हैबिटेट्स में, हैबिट्स में। इंटरनेशनल डायमेंशन देखो तो एक पॉजिटिव डायमेंशन है, क्योंकि लोगों में कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो थिंकिंग का, आइडियोलॉजीज़ का, फूड का, क्यूजीन का, कपड़ों का, हर तरीके का लेन देन होता है, देर इज़ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑफ आइडियाज़, ऑफ फूड, क्यूजीन्स, क्लोथ्स, ट्रैवल एरियाज़, ट्रैवल आइडियाज़ ऑल्सो। उसके अलावा क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस स्ट्रॉन्ग होते हैं, लोगों में पीस, यूनिटी प्रमोट होता है। कुछ इकॉनमीज़ ऐसी हैं जैसे कि स्विट्ज़रलैंड हो गई, इंडोनेशिया हो गई, मलेशिया हो गई, सारी इकॉनमीज़ ऐसी हैं जिनका एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो टूरिज़्म इंडस्ट्री से आता है। तो इंटरनेशनल टूरिज़्म एक बहुत बड़ा एरिया है, प्रोस्पेक्टिव एरिया है, जहाँ पे आप बहुत अर्न कर सकते हो, एक सॉफ्ट पावर बना सकते हैं किसी भी पावर, किसी भी कंट्री को। क्या टूरिज़्म, जब वो ट्रैवल कर, जब लोग आएंगे आपके कंट्री में टूरिज़्म के लिए, तो ऑब्वियसली आप, यू विल अर्न फॉरेन एक्सचेंज एंड अल्टीमेटली योर कंट्री इज़ गोइंग टू प्रॉस्पर। उसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट सिंपल है, आप इस तरीके से समझो, इट ब्रिंग्स अस क्लोजर टू नेचर, वी लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व आवर इन्वायरमेंट, वी गेट टू कनेक्ट विद द फ्लोरा एंड फौना,
we see how plants grow, how they live, how animals grow, where they live, what do they eat. तो एक तरीके से हमारा connection develop हो जाता है हमारे environment के साथ और हम एक responsible citizen बनने की तरफ step लेते हैं. So we'll jump now to responsible tourism. Responsible tourism मतलब वो tourism which is in the Gandhian way. ऐसा tourism which has minimum impact on the environment. Travel but with minimum impact to the environment. Gandhi ji पूरा इंडिया ट्रैवल किया, लोगों के घरों में गए, लोगों के साथ बातें शेयर करी, उनकी प्रॉब्लम्स सुनी, उनका निवारण किया, उनके घरों में खाना खाया, रहे, लेकिन कितने सामान लेके गए थे, मे बी अ स्मॉल बैग. तो मिनिमम इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, उन्होंने इन्वायरमेंट को कहीं से भी हार्म नहीं होने दिया. उसके बाद हम देखेंगे अब चैलेंजेस व्हाट आर फेस्ड बाय टूरिज्म. हमको टूरिज्म के साथ साथ क्या क्या चैलेंजेस भी आते हैं, हर चीज़ के साथ प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड होती हैं, तो वही प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे. तो आप उसको क्लासिफाई करो चार पार्ट्स, सिंपल हो जाएगा बहुत ज़्यादा. इन्वायरमेंटल कंसर्न्स होती हैं सबसे बड़ी चीज़, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर रोड ब्लॉक्स होते हैं, रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ता है, रिसोर्सेज का कंसर्न जनरेट होता है, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न्स. तो इन्वायरमेंटल कंसर्न में आप देखो ट्रैवलिंग का हमेशा एक एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट पे, क्योंकि रिसोर्सेज पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है. लोग भूल जाते हैं कि हमको जुडिशियसली यूज़ करना है रिसोर्सेज को. जब आप ट्रैवल करते हो आप बहुत सारा वेस्ट जनरेट करते हो. तो इस तरीके से होता क्या है, एक बहुत ही अनरेस्ट्रिक्टेड अनप्लान्ड डेवलपमेंट होता है उस एरिया का जहाँ पे आप टूरिज्म प्रमोट कर रहे हो या जहाँ पे आप घूमने जा रहे हो. तो होता क्या है, अल्टीमेटली बहुत सारे लोग इकट्ठा एक ही जगह पहुँचने लगते हैं. वहाँ पे क्या होता है, एक हब बन जाता है टूरिज्म का. अल्टीमेटली क्या होता है, वो वहाँ का एरिया उसको सस्टेन नहीं कर पाता है और फाइनली क्या होता है, अल्टीमेटली कुछ ना कुछ ऐसा ट्रेजेडी हो जाती है विच इज़ अ लॉस टू द मैनकाइंड, टू द ह्यूमैनिटी एंड टू द इन्वायरमेंट एंड टू द अर्थ एज अ होल. जैसे कि उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड्स आए थे, क्लाउड बर्स्ट हुआ था, उससे क्या हुआ था, सो मेनी पीपल लॉस देयर लाइव्स, जान माल का नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन हुआ, लोगों ने अपनी फैमिली मेम्बर्स खो दिए. तो दिस वॉज ऑल दैट हैपेंड. उसके अलावा इन्वायरमेंट पे थ्रेट आता है, प्रेशर रिसोर्सेज पे पड़ता है, वहाँ पे भीड़ बढ़ती है, गर्मी सर्दी के मौसम में चेंजेस आते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, हीट वेव्स जनरेट होती हैं, चोकिंग हो जाती है आपकी किसकी ड्रेन्स की बिकॉज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट होता है. उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर रोड ब्लॉक्स. आप देखोगे कि जब भी टूरिज्म की इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है. आप सपोज जर्मनी से इंडिया आ रहे हो घूमने के लिए, तो आपको क्या चाहिए होगा, पहले आपको एयरपोर्ट्स चाहिए होंगे अच्छे, फिर रोड्स चाहिए होंगी, में हो सकता है रेलवेज की भी ज़रूरत पड़े, उसके ऑब्वियसली पड़ती है ज़रूरत. उसके बाद आपको बसेस चाहिए होंगी, लोकल ट्रांसपोर्ट चाहिए होंगे, रोड्स चाहिए होंगी प्रॉपर, हॉस्पिटैलिटी के लिए होटल्स चाहिए होंगे, वहाँ पर अच्छा खाना चाहिए होगा, जो लोग आते हैं उनके अकॉर्डिंग खाना चाहिए होगा. तो एक तरीके से क्या होता है, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है. अगर उसमें रोड ब्लॉक्स, उस पर अगर आप देखोगे लूप होल्स हैं कहीं भी, तो आपका एक टूरिज्म इंडस्ट्री स्मूथली रन नहीं कर पाएगी. उसके अलावा आप देखोगे रिसोर्सेज का कंसर्न. रिसोर्सेज का क्या होता है, आप रिसोर्स क्या है, रिसोर्स है हर चीज़ जो कि इस इंडस्ट्री में आप एज एन इनपुट दे रहे हो, चाहे वो रोड्स हों, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो होटल्स हों, चाहे वो साइट्स हों जहाँ पे लोग देखने आ रहे हैं. सपोज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं पुरानी, या फिर ताजमहल है आपका, या फिर आपका इमाम बाड़ा है, या फिर लाल किला है, तो उनको आपको साइट्स को रिस्टोर करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा. आपको वहाँ पे प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे जो कि एज गाइड्स वहाँ पे वर्क करें. प्रॉपर टूरिज्म पॉलिसी होनी चाहिए किसी भी कंट्री की. उसके अलावा जो टसल अराइज होता रहता है हमेशा स्टेट और सेंटर के बीच में, उसको कम करना चाहिए. ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए विच शुड बी टूरिस्ट फ्रेंडली एंड एज वेल एज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लोकल पीपल ऑल्सो. उसके बाद आप देखो एक सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न्स होते हैं, वो क्या है, सेफ्टी ऑफ टूरिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं या फिर डोमेस्टिक टूरिस्ट भी हैं, तो उनको एक बहुत सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट मिलना चाहिए जिसमें वो ट्रैवल करें. उनके पास वहाँ पे आपके पास कैब सर्विसेज होनी चाहिए जिनकी प्रॉपर ट्रैकिंग होनी चाहिए. उसके बाद होटल्स में IDs से ही एंट्री मिले, और हर तरीके की सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न्स मेजर्स को आप ध्यान में रखो. जैसे कि एक जर्मन गर्ल वॉज किल्ड इन गोवा. उसके अलावा तो ऐसे इंसिडेंट्स आगे नहीं होने चाहिए. पुअर सैनिटेशन एरियाज़ में आप, जैसे कि आप किसी भी रिलीजियस प्लेस में जा रहे हो, तो वहाँ पे हमेशा आप माउंटेन्स के थ्रू ट्रैवल करके जाते हो ऊपर की तरफ. तो एक बहुत बड़ा रास्ता होता है जो आप ट्रैवल करते हो वॉकिंग और ऑन हॉर्सेज और पालकी एक्सेट्रा. तो उस रास्ते भर में जो भी आपको सैनिटेशन प्रोवाइड हो रहा है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ताकि आप लोग को कभी भी कोई डिजीज़ या फिर इन्फेक्शंस से आप सफ़र ना करो. फॉर एग्जाम्पल, अ US फीमेल सिटीजन डाइड ऑफ अ सुपर वर्क, शी इन्फेक्टेड वाइल शी वॉज इन इंडिया. तो ऐसे केसेस आगे नहीं हो.
उसके अलावा देखो एथिकल इश्यूज भी कुछ होते हैं रिलेटेड इससे, जैसे कि कुछ टूरिज्म काइंड ऑफ होते हैं जैसे कि आप सिर्फ और सिर्फ मस्ती के लिए जा रहे हो। उसके अलावा एक्सप्लॉयटेशन भी होता है चाइल्ड वर्कर्स का टूरिस्ट स्पॉट्स में सबसे ज़्यादा। वहाँ पे आप देखोगे बच्चे, छोटू जैसे हज़ार बच्चे ऐसे होते हैं जो कामों में लगे होते हैं जिनको हमें नहीं प्रमोट करना चाहिए बिकॉज आर कॉन्स्टिट्यूशन सेज चाइल्ड लेबर शुड बी प्रोहिबिटेड। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे सम इमर्जिंग टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एरियाज, कुछ इमर्जिंग एरियाज जहाँ पे टूरिज्म नए तरीके से उभर के आ रहे हैं। एक होता है आपका लग्जरी टूरिज्म, जैसे कि लोग क्रूज में ट्रैवल करते हैं तो वो लग्जरी टूरिज्म हो गया। वहाँ पे क्या होगा, सारी एमिनिटीज सारी फैसिलिटीज एक क्रूज के अंदर प्रोवाइड करेंगे आपको, आप ट्रैवल करो हफ्ता भर, 10 दिन 15 दिन, जैसे जितना भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद एक होता है इको टूरिज्म। इको टूरिज्म बेसिकली होता है टू गेट इन टच विद फ्लोरा फौना वेजिटेशन प्लांट्स एनिमल्स हैबिटेट्स उनके, उनके बाद बायोडाइवर्सिटी से आप जब कनेक्ट करते हो तो वो काइंड ऑफ टूरिज्म जो होता है इको टूरिज्म, मीन्स ऐसा टूरिज्म विच इज़ इन सिंक विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एक ऐसा माला एक एरिया है केरला में विच इज़ द फर्स्ट प्लान्ड इको टूरिज्म डेस्टिनेशन। इनफैक्ट ऐसे हर टूरिज्म डेस्टिनेशन को बहुत वेल प्लान्ड तरीके से रन करना चाहिए। उसके बाद अब आप देखोगे व्हाट इज सस्टेनेबल टूरिज्म, ऐसा टूरिज्म विच मिनिमाइजेस नेगेटिव सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स। सिंपल डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल टूरिज्म जिसका नेगेटिव मिनिमम नेगेटिव इंपैक्ट हो, कैसा, सोशल भी इकोनॉमिक भी और एनवायरमेंटल भी। इंटरनेशनल कम्युनिटी हैड डिक्लेयर्ड 2017 एज इंटरनेशनल ईयर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन टूरिज्म। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने डिक्लेयर किया था इन 2017 एज द इंटरनेशनल ईयर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन टूरिज्म। यू कैन मेंशन सच पॉइंट्स ऑलवेज। उसके बाद आप देखो बेनिफिट्स क्या होते हैं टूरिज्म से, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। मेन तो होता है सिर्फ टूरिज्म के बेनिफिट्स नहीं देख रहे हैं, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे हम सस्टेनेबल टूरिज्म के बेनिफिट्स देख रहे हैं। सस्टेनेबल टूरिज्म अगर होगा तो क्या होगा, सबसे पहली बात आप वेस्ट जनरेट नहीं करोगे, प्लास्टिक वेस्ट नहीं होगा, आप हमेशा इंश्योर करोगे कि प्रॉपर सैनिटाइज्ड एरियाज हों, तो मिनिमम पोल्यूशन होगा, लोकल वेलबींग के लिए होगा। इको टूरिज्म जो होता है या फिर सस्टेनेबल टूरिज्म में क्या होगा, लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोकल वेलबींग बढ़ेगी, लोकल प्रॉस्पेरिटी होगी और एनरिचमेंट होगा उनके कल्चर का, उनके ट्रेडिशंस का, उनकी आर्ट्स का, उनके हैंडलूम्स का, उनके हैंडीक्राफ्ट्स का। ठीक है, उसके बाद आपने देख लिया लोकल एम्प्लॉयमेंट होगा, विजिटर्स होलिस्टिक टूर, सबको एक होलिस्टिक टूर करने का मौका मिलेगा। कैसे, क्योंकि अगर आप लोकल लोगों के साथ ट्रैवल करो तो वो आपको चप्पा चप्पा घुमाएंगे, अच्छे से घुमाएंगे, क्योंकि उनको पूरे एरिया के बारे में अच्छे से पता है और बहुत ही हिस्टोरिकल नॉलेज भी होती है उनके पास, तो आप बहुत ही आपका ट्रैवल जो होगा बहुत ही डिटेल्ड और एक्सक्विजिट होगा। उसके बाद लोकल इन्वॉल्वमेंट होगा, लोकल लोगों को इन्वॉल्व करोगे, लोकल एम्प्लॉयमेंट होगा, लोकल लोगों को हम एज गाइड रख सकते हैं जिनके पास नॉलेज हो, जो थोड़े पढ़े लिखे हों, जिनको पता हो कि हाँ यहाँ का ये रिच कल्चर है, यहाँ के ट्रेडिशंस हैं, आप कैसे वो लोग कैसे उस नॉलेज को आगे जाके ट्रैवल आगे बुक्स में छाप के लोगों को देकर, पैम्फलेट्स में छाप कर लोगों के थ्रू वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर सकते हैं अपनी नॉलेज, अपनी ट्रेडिशन, अपनी मेडिसिनल हर्ब्स, हर चीज़ को प्रमोट कर सकते हो आप। GI टैग्स मिल जाते हैं लोगों को, तो वो सब एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है टूरिज्म का। बायोडाइवर्सिटी को आप सपोर्ट करोगे, अगर आप सस्टेनेबल टूरिज्म है आपका तो आप बायोडाइवर्सिटी के सिंक में होगा, तो वो आपको कभी भी ऐसा इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट होगा जहाँ पे आप यू आर रनिंग अगेंस्ट द इन्वायरमेंट एंड अगेंस्ट द नेचर। उसके बाद एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होगा, आप वेस्ट जनरेट नहीं करोगे, अपना मिनिमम ट्रैवल के लिए सामान लेके जाओगे, मिनिमम ट्रैवल टाइम होगा, मिनिमम गुड यूज ऑफ रिसोर्स।